रिश्तेदारी होंगी परिवार की उस तरह लोगों ने बहुत बीरती तरह सत्कार किया, बहुत प्रेम किया। क्यों कि साढ़े वीर जी ने जो गुरुद्वारे की कमेटियां के बहुत वड्डे वड्डे काम किए, गुरप्रयाग साहब सिंह जी सब नूं पता है। तो संतां दे बेनती की जाती सारिया मालकोट दी संतां जो भी भैन भरा जो भी रिश्तेदार दूर तेरे के दोस्त नेड़े के रिश्तेदार सामना से बेनती है गुरु प्यारी साहब सिंह जी के बाल्टी के निशान से मोहर लगन लगा के वीर जी मजिंदर सिंह सरसा ने चेतावन की कृपालना करनी है। सारिया संतां से बेनती की जाती है वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी सारे अज सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के चोन कंपनी में बैठे हाँ, मीटिंग में आए हाँ। सब का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने दोपहर के लंच के समय अपना बीबिया बैठिया ने रोटियां छड़ के इतने सिरसा जी का साथ देने वास्ते इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। संगत जी वो गल करनी है सिर्फ और सिर्फ असी अज लॉन क्वार्टर की दिल्ली में सिरसा जी ने की किया सरना जी ने की किया संगत को सारे लोग पता है। से लाल बॉर्डर वास्ते सरदार परमजीत सिंह सरना जी ने पिछले 15 साल तो की किया और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने पिछले 4 साल तो किया। वोट किसनू और क्यों और कदों देनी है यह वोट कोई मेरे प्यो की जगीर नहीं है कि जड़ा मर्जी मंगे से दे रही है। यह वोट गुरु की मोहर है, यह वोट गुरु की दात है जी। वोट गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू चार पुत्र पूरा सरपंच शहीद पर आके दिती है, अपनी मोहर दिती है सिखी की मोहर। असी जो सिखी की मोहर किन देनी है कदों देनी है। सरदार परमजीत सिंह सरना जी का अगर पिछोकड़ देखिए पिछले 10 साल तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान रहे और 4 साल इस कमेटी के हारे हुए मैंबर भी रहे लाल बॉर्डर पंजाबीवाल सीट तो। एक भी संगत हाथ खड़ा करके बोल देवे कि जो दिल्ली कमेटी के प्रधान सन वह कदम लाल बॉर्डर के गुरुद्वारा साहब विखे मत्था टेकन भी आए हो। वह जो 4 साल तो चोर हार के घर रखे हैं एक भी संगत का बंदा या जो बंद उन्होंने नाल लगे हैं कि वह कहीं लाल बॉर्डर के गुरुद्वारा साहब विखे उन्होंने लेके आए हो। 10 साल एक वारी गुरुद्वारे में मत्था टेकन नहीं आए, 4 साल हारन तो बाद मत्था टेकन नहीं आए। अज चोरों का समय नाल है तो चोरों के विचकार भी वोट मंगने गुरुद्वारे नहीं आए ना मत्था टेकन आए ने। यहोजा की किरदार है इन्हों का जो गुरु को कुछ नहीं जानते। मैं गल करा साडे वीर जे उन्होंने नाल लगे हुए हैं जे उन्होंने अज कहते हैं सरना जी पिछे जान दे देंगे, वह जाना कितने सन जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के उपर इन्होंने लोन दिता सी 5 लाख रुपए का लोन साढ़े गुरुद्वारे का गहने पा लिया जी। किस गल का लोन करी दिता सी इन्होंने सानू अभी गल की जरा मनजिंदर जी सिरसा जी ने सिरसा जी सा लोन इन्होंने गिरवी रखे गुरुद्वारे की फाइल साड़ी गिरवी रखी है। सिरसा जी ने कहा मैंने तो पता ही नहीं। सिरसा जी ने वेरी फर्स्ट डे ऑर्डर दिता और एक हफ्ते के अंदर ही साड़े गुरुद्वारे की फाइल वापसी कराई जिन्होंने इन्होंने 5 लाख रुपए की वापसी की थी। अब तुम सारे गुरुद्वारा साहब की दिख देख रहे हो ना कितनी सोहनी है, कोई कमी तो नहीं गुरुद्वारे घर गुरु घर अगर जगह नहीं मिली पर गुरु घर में सवार असं अपने घर भी रहने हैं तो घर में सिद्धि पेड़ सब कुछ करा के रखने हैं। जेडे प्रबंधक भी जो लगे हुए हैं ना उन्होंने अपने सिर्फ आर्थिक लाभ देखे हैं कहते गुरु घर का ही सोचा। जो दासा सेवा मिली सी तो मैं संगत को दसना चाहना कि जो दासा सेवा मिली सी तो महाराज का पलंग साहब जिथे महाराज जी सुखासन करते हैं उत्तर उन्होंने महाराज की पलंग रहते चूड़ा कसिया हुई कमरे उन्होंने कदे कदे भी संगत को मैं नहीं कहा कि असं गुरुद्वारा बनाना असी सेवा दी सानू महाराज ने सेवा दी असं सिरसा जी का गल की सिरसा जी ने सानू कहा जब तक जगह नहीं मिलती महाराज के घर के सोने बनाओ एको टीचा खिंचा कि असी कार सेवा करनी है। चलो जी कार सेवा गुरुद्वारे की शुरू हो गई असी सिरसा जी को बेनती की सिरसा जी ने कहा गुरु घर का काम है बेनती ना करा करो हुक्म करा करो गुरु के हुक्म होंगे बेनती नहीं होंगे संगतों दी। सिरसा जी ने लगभग 1 लाख रुपया सानू आर्थिक सहायता दी गुरुद्वारा बनाने वास्ते। सरदार परमजीत सिंह सरना जिन्होंने बंदे उसे नवा घड़ा बना के बह गए हैं जे संगत जी गुरु के नहीं बने गुरुद्वारे के नहीं बने वो साढ़े तुहाडे की बनेंगे। यह सोचने वाली गल है कि पिछले 4 साल जो दिल्ली साडे लाल बॉर्डर की कमेटी तो बाहर ने अब तक वो कहते गुरुद्वारे बने तक आए ने कोई भी प्रोग्राम उन्होंने अगर किया है अपने स्टेज वखरे लाए ने गुरु अमरदास सेवा किथे वालों
क्योंकि उन्होंने उसे आर्थिक लाभ सौ लाल बॉर्डर गुरुद्वारे की जो उन्होंने कलेक्शन दी सानू क्या कि लगभग 35-35 करोड़ रुपए की कलेक्शन हैगी है तुम गुरुद्वारा चवा के करोगे असि क्या जी 35 करोड़ रुपए की कलेक्शन हैगी है 35 करोड़ खाने नहीं है संगत के पैसे ने जोड़ने ने गुरु घर का जोड़ लिया गुरु की आज्ञा तो अलावा जेडी कमेटी सानू पिछले घाटे छोड़ गई थी 7 लाख रुपया लगभग असंगत का पैसा एक पैसा गुरु की मोहर है गुरु का देनदारी है अभी कहे सारे कोई हिसाब है असाने के आरोप लगाते हैं कि सारे विके हैं असि विके नहीं है असि दिल न विके हुए हैं पैसे ना हर कोई बंदा किसी को खरीद सकता है कोई किसी का मोल नहीं पा सकता सारा कोई मोल पा के दिखा दे तारा थलो निकल जावे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा वो शख्स है जिसने पिछले 4 साल तो निरंतर लख लख रुपया हर महीने हर साल खालसा फितना दिवस विसाखी के ऐसे प्रोग्राम कराने संगत जाणू है दरबार साहब तो राखी कोई भी आता घटो घट 51,000 रुपया रहना है सिरसा जी ने कहा नहीं तुम प्रोग्राम करो हर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हाँ संग्राम के सिरसा साढ़े नाल लगे रहे साढ़े सारे काम किए सिरसा साहब ने बच्चों की स्कूल या फीसा तक माफ कराइया दाखले कराए विधवा बीबिया राशन की सहायता दी है सरदार पवनी सरना एक भी गल करे कि लाल कोट ने संगत वास्ते मैं काम किया है मैं उन्होंने सपोर्ट करा जो नाले चार बंदे लगे हुए ने एवं दसते हैं कि असि सरदार परमजीत सिंह सरना को लाभ लिता गुरुद्वारे वास्ते या गुरु की संगत वास्ते अपने आर्थिक लाभ हैं और अपने हैगी है अब मैंने पता मैं तो संगत जी इतने है नहीं तो मैं इन्होंने जवाब नहीं दे पा रहा नहीं तो कला 6-7 लाख के बराबर होंगे तो मैं कला खालसा बराबर आना वास्ते आज संगत जी अजय घर घर तक प्रचार करते हैं कि सिक्खी उजड़ जाएगी जो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा सिक्खी कहेगा ना सिक्खी उजड़ जाएगी जो सिक्खी उजड़ नहीं होती बिल्कुल भाई सरदार ना पाते बिल्कुल भाई सरदार बने हैं एको ही कहना चाहता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने उन्होंने प्रेरिया उन्होंने देख के कि उनकी सेवा देख के सरदार तेजपाल सिंह बिट्टू ने 50 साल की उम्र तक सिक्खी अपनाई है संघ जी सिक्खी उजड़ी नहीं है सिक्खी सवर ही है और ना ही कोई सिक्खी उजाड़ सकिया अहमद शाह अब्दाली तो लैके जहांगीर तक औरंगजेब तक सिक्खी मैंने उजाड़ सकिया सिक्खी प्रफुल्लित ही रही है सरदार परमजीत सिंह सरना का तुहाडे घर मैनीफेस्टो आया होगा सब ने देखा होगा वह हैडिंग है उजाड़ ही उजाड़ उजाला ही उजाला चलो मैं पढ़िया नहीं मैंने दसिया जी किसी ने उजाला ही उजाला खाने लिखा हुआ गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट का उजाला अरे जितने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का नाम लग गया ना वो जगह तर जाती है तो उजाड़ कितने कह रहे हो तुम उजड़ोगे तुम जिन्होंने संगत की सेवा नहीं की उजड़ोगे तुम जे अज अपने पुछे हथ मार के साथ लड़ाई कर रहे हो कल मैं सुनिया भाजी के बच्चों ने बड़ी बदतमीजी की है जे लड़ना है 26 तरीक तो बाद भी लड़ लेंगे भाई 14 से लड़ लीए संगत जी वोट सिर्फ और सिर्फ अपने मैं नहीं कह रहा सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा वोट दियो मेरी मावं बैठिया ने मेरी भैन बैठिया ने मेरी जनानी भी बैठी है वैसे तो असं मावं चाहिए ने साढ़े संगत ना राशन लैन जाती है माधी बोरी तो भाई नू कहती है भाई बोरी खोल के दिखा दे कहीं है सारे कहते हैं ना तो दो दाल चुप के चेक करते हैं तो कहते हैं बोरी दे खरा दूजी बोरी खोल दे सरदार परम मनजिंदर सिंह सिरसा पिछले 15 साल की गाओ जी बोरी साढ़े सामने खुली हुई है तेन खोलन की लड़ नहीं हैगी कि बोरी खुली हो दाले देख के बोल लेंदियां कि खराब है 15 साल की बोरी है तो वो की खराब है असि रिश्ता करन जाते हैं बच्चे का कोई कुड़ी का कोई मुंडे का साथ चार घर पूछते हैं चार घर कि मेरा बच्चा खुश तो रहेगा विचोले ने कहते हैं अपने बच्चे का हाथ किसी हाथ फड़ा देने बंदा पिछले 15 साल तो साढ़े सुख दुख साढ़े व्याह तकलीफा गुरुद्वारे के कमां वास्ते कम आया है संगत जी गुरुद्वारा कमेटी का नाम हो कर सकता है प्रधानमंत्री ने बना सकता है जेडे काम ने कोई वो कर सकता है तो मेरी सब संगत को अपील है मैं नहीं कहता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा वोट दो मैं संगत को एको अपील करा लाल क्वार्टर की संगत को कि अपने परसनल मुद्दे घर छड़ के अपने सारे द्वेष मनो कट के एक बार शीशे सामने दस्तार सजाओगे ना तो मन जरूर गल करना कि संगत जी लाल क्वार्टर गुरुद्वारे की सेवा किने की है लाल क्वार्टर के गुरुद्वारे दिख किने सवारी है अपने मन नाल गल करना जे तुहाडा मन कहे कि हाँ सरदार परमजीत सिंह सरना ने सवारी है तो एक बार वोट उन्होंने भी पा देना जे ना कहे तो दिल में हाजर नजर करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज को हाजर नजर करके वोट मनना कि आज मेरी वोट किसी पार्टी नू नहीं किसी बंदे नू नहीं किसी व्यक्ति विशेष नू नहीं मेरी वोट सिर्फ और सिर्फ सरदार परमजीत सिंह सरना नू नहीं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा नू हैगी है जिन्होंने कौम की भलाई वास्ते काम किए हैं अज तो पहले सरदार परमजीत सिंह सरना
साडे लाल क्वार्टर विच वोट जरा इंसान मंगन नहीं आया, सानू कित्थे पुछन आएगा बाद विच। जिहड़ा बंदा आया कह रहा है कि 5 साल बाद मैं सेवा नहीं कर सकता, मैनू वोट दे दो, जे 5 साल बाद सेवा ही नहीं करनी, गुरु दे नहीं रहना, साडा की रहेगा। संगत जी, हाथ जोड़ के बेनती है, अपने मन भी झाकिया मार के एक बार फिर अपील है लाल क्वार्टर की गुरुद्वारा कमेटी वालों कि एक बार जाओ वोट पाओ, वोट लाओ त्यार हो ब्रह्मस्त्र, मंत्री संतरी संतरी मंत्री क्या बना सकते हो। प्रधान साहब भी तुम देखे ने, सरदार परमजीत सरना के जनरल सकत्र भी देखे, काम की क्वालिटी देखो, कम के काम देखो। एक बार एक बेनती लाल क्वार्टर की प्रभु समूह साध संगत वालों प्रबंधक कमेटी वालों कि अपना वोट एक बार गुरु नु हाजर नजर जान के सही कैंडिडेट नु देना, जेड़ा कि तुहाडे आने वाले बच्चे ने भविष्य में सुनहरा बनावे, जेड़ा आने वाली पनीरी नु बिट्टू भाजी वांग गुरु घर नाल जोड़े, सिखी प्रचार न करे। मेरी इसी गल नाल समाप्त किया जा चुका, किसी नू घट वध कह गया होवां ते किया जा चुका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज तो पहले सब तो पहले सरना साहब की दिल्ली सरना साहब की कमेटी पूरी दिल्ली विच हैगी सी, उन्हां दा गुरुद्वारा ते पूरा ओ सी, उन्हां नू असी लोग साडी जिहड़ी पुरानी कमेटी है उहदे चेयरमैन साडे धर्मिंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी कैशियर सी, हरभजन सिंह जी प्रधान, गुरुद्वारे की जगह चाहिए है साडी गुरुद्वारे की जगह वास्ते सारा पूरा काम हो चुका सी। उस टाइम सांसद सज्जन कुमार सी, उन्होंने भी कहता सी जो 84 की कलोनी है ते ऐसे गुरुद्वारे की लोड़ है, ऐसे गुरुद्वारा दे दिता जाए, क्योंकि पाप भुलदे। उहदे बाद उन्होंने कहा जी इन्हां नूं गुरुद्वारे जगह दे दित्ती जाए। असीं मीडिया वगैरह जाकर आए, उन्होंने कहा जी सरना साहब को लिखवा लो खाली, तुहानूं गुरुद्वारे गई, उन्होंने कहने सानू लाल क्वार्टर गुरुद्वारे जगह चाहिए, गुरुद्वारे कमेटी असें जगह चाहिए। सरना साहब ने की जवाब दिता, सरना साहब कहंदे उत्थे दे चार सिख रहंदे ने, चार परिवार, उत्थे गुरुद्वारे दी लोड़ नहीं है, तुसीं गुरुद्वारा किस गल दा मंगदे हो, तुहाडे तुहाडे वास्ते तां गुरुद्वारा है ही नहीं, तुसीं चाहुंदे ही नहीं गुरुद्वारा, तुहानूं गुरुद्वारा मिलेगा ही। उन्होंने क्लीयर मना करता, जिहड़ा साडा अज वड्डा गुरुद्वारा बनदा उह गुरुद्वारा उन्हां दे कहण ते नहीं बनिया। दूसरी गल, उन्होंने प्रचार ही ऐसे सी, उन्होंने प्रचार पहले भी ऐसे सी, लड़ाई झगड़ा, हर किसी नूं डराना, हर किसी नूं धमकाना, किसी ते तलवारां चलानियां, किसी सोटे चलाने। कल भी साडे इलाके च मीटिंग होई है, उहदे तलवारां आईयां, अदों साडी रैली निकल रही सी, उधरों उन्हां दा प्रोग्राम सी, ऐसे असीं कहा बाल्टी ते मोहर लगेगी, उधरों आवाजां आण लगियां भई कार ते मोहर लगेगी। थोड़ी देर च फोन कीता, उन्होंने बंदे बुला ले बाहरों, वो तलवारां लैके आ गए, सिसा जी आज दी गल पा दाना, वो तलवारा लेके आ गए। और मेरी कुड़ी नु क्या जिन्हें अज गुमाला, मेरी कुड़ी पहले ना ते वो अमृत छकिया सी, उन्होंने ना वो कीर्तन करदिया सी, कुछ भी नहीं करदिया सी, गुमाला भी नहीं पांदिया सी। और कुड़ियां नु उन्होंने कहा तुहानू फाड़ के रख दांगे, चीर दांगे तुहाडी कुड़ियां नु, मतलब ऐसे लफ्ज बोले गए। उहदे बाद मैं उपर सी किसी दे घर, उहदे बावजूद मैं अपने बच्चां नु उन्होंने कहा जो है बोलदे ने उन्होंने बोलन दो, साडी सेहत ते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हां नु दहशत हो गई है, वो इलेक्शन हारे पे, उन्होंने पता लग गया कि असीं इलेक्शन हार गए। और दूसरी गल, उन्होंने एक गल की, इस तू पहले 3 दिन पहले मीटिंग हुई, सरना साहब आप मुंह बोल गए, कहते बिट्टू नु मैं 10 दिन अंदर जेल करवाऊंगा और इन्हें चुकवाऊंगा, एवं जेड़े बंदे लगे और तू उन्हें भी चुकवाऊंगा। मैं आप जी बेनती करना चाहना, सरना साहब मैं तुहाडे कोल वैसे ही आ जाना, तुसीं अगर चुकवा सकते हो, मेरा कुछ भी बुला सकते हो, मैनू मरवा सकते हो, मैनू मरवा लो, मैनू कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिरसा साहब की जब तो कमेटी आई है ना, उन्होंने ऐसा प्रचार किया बंदा सिंह बहादुर के बारे, आज बच्चा बच्चा जान रहा है। उन्होंने लाल लाल किले से भी प्रोग्राम किए, उन्होंने मैरोली भी प्रोग्राम किए, उन्होंने वड्डे वड्डे उपराले किए, साडे लाल क्वार्टर ने शानदार बनाता, ये कुछ कहने की हद नहीं, उन्होंने इन्ना वधिया गुरुद्वारा बनाता। अज लोग दूरों भी आते ना पंजाबी वास्तु में, देखे पहले गुरुद्वारा बड़ी बुरी हालत सी, आज गुरुद्वारा देखो कि चमक रहा है, बाबे का साथ चमकाने वाले सेवादार, उस सेवादार मैं बेनती करना चाहता हूँ, सेवादार वास्ते तुम वोटा लगा के ना बाइक पूरी दिल्ली खाली।
ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਔਰ ਕਵਲਜੀਤ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਛਤਪਤੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਢਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾਣਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਤਰਫੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦੋ, ਇੰਨੀ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਉੜੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਵਜ ਵਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, 100 ਰੁਪਏ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਕੀ ਆ, 100 ਰੁਪਿਆ ਦੋ ਪਊਆ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚਿਓ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਸੋਚਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ
है कोई जिन्हें मेरी वाइफ ने ताजे चो मेरिया भैन ने मेरिया मावं जिन्हों ना आके मेरी घरवाली मिली हो ना गल ना लाया हो कोई ऐसी मां भैन अपनी पिची समझ के अपन मावं समझ के असं परिवार निभे हाँ जेडे लोग अज आके इतने कहते ना मेरे लांछन लाने मेरे परिवार के धिया के बारे च माड़ा बोलते ने मेरी धर्मपत्नी के बारे च बोलते ने वो बोलते थोड़े बारे च ये ही ने पर कहना इलैक्शन मेरे बारे च बोलते ने पिट पिछे थोड़े बारे च बोलते ने आ मेरिया धिया दोवे खलोतिया ने देखो कि कौम की शान बनिया ने दोवे जो केस की सजाई आ किडिया सोहनिया लगदिया ने सिखी रूप चाहिया ने कल कहते इन्हों पाड़ देंगे मैं कल कह मैं कभी को माड़े बोल किसी बारे च बोले नहीं पर मैं एक गल कहना चाहना है साढ़े धी वाल कोई हथ करके दिखावे वो तो कहते पाड़ देंगे मैं सब दे कह रहा दो लत्तों तो चंदे पाड़ के दूहे कर देंगे हाथ फड़ा देंगे है किसी की मत साढ़े धी वाल देख जाए ऐसे असी सभ्याचारक लोग हाँ असी बड़े अपने आप से संयम रखते हाँ पर साड़ी धी भैन के बारे च कोई बोले ना फिर सारे संयम सुयम गए फिर सिरे गल ला देवे पुश्ता भर लोग याद रखे भराओ कुछ कर लो जे बच्चों समझा के जाएंगे आ कम ना कर बैठो कभी वो भी सिरसे के सामने खिलो खालसा जी एह जे लोग ने इस कदर घटिया लोग ने मेरी धी दे मेरी धर्मपत्री ने पोस्टर लाए ने फोटो लाइया ने बाजार के अंदर ये पतित ने ये माड़िया ने यह बजर गुना कर दया ने कि गुना करते हैं खालसा जी मेरी मावं तुम बैठिया जी जिन्ना मैं सत्कार करद देखा कभी कोई माड़ा चंगा बोलद देखिया माता जी थोड़े तो चो किसी देखा कभी किसी ने दस साल तुम गिनती नहीं कर सकते जिनी बार मैं थोड़े चाया तो याद भी नहीं होगा मैं किन्नी गिनतियां नहीं पुजिया की जा सकदियां पर अज वो लोग आके गुरु घर की गल करते ने जिन्हों लोगों ने गुरुद्वारा के वास्ते 5 लाख रुपया गुरु की वजह देने की हिम्मत ना हो करजे से दिता से तुम्हें करजा सूदखोर हरामी आ सूदखोर लैण वाला भी गलत आ सूदखोर साडी वास्ते साडे गुरु साहब के वास्ते सूदखोर पापी आ गुरुद्वारे का पैसा दूजे गुरुद्वारे को देना है ब्याज उत्ते तुहाडे गिरवी रखे से कागज पता नहीं किन्नी मेरी मावं नूं पता है 5 लाख पिछे गिरवी रखे से कागज ब्याज ते तुहाडे तों पैसा लैंदे सी तुसीं दास नूं सेवा का मौका दिता कागज भी वापस किते खाली गुरुद्वारा साहब की जो सेवा गुरु घर वास्ते दो फ्लैट दिते आज सोचा आज काम करेंगे चलो कोई नी कोई नी कोई नी कोई नी दो मिनट कोई नी कोई ना दुबारे कौन मार रहा है कोई नी वीर जी कोई ना कोई ना कोई बच्चा को कर रहे बीबी जी दो फ्लैट दिते जेड़ी सेवा इन्हें कही जो मायक मायक तौर पर इन्होंने आर्थिक तौर पर किया हर काम किया एक गल मैं तुहानू पहला गुरु घर की पूरी कर दिया आ बिट्टू जी मैनू रोज कहते हैं गुरुद्वारे वास्ते सुनो बीबी जी ध्यान नाल खालसा जी सारे सुनियो जे ध्यान नाल तुहानू पता मैं जिहड़ी गल कह उस जबान का पक्का है अपने कौल का पक्का अज तक जो क्या मैं करके दिखाया जे मैं कहा इस लाल क्वार्टर के अंदर आ सड़कां तुहाडियां बन नहीं सकदियां सी इहदा कोई प्रोविजन नहीं सी पर तुसी मैनूं बेनती तुसी मैनूं हुक्म किया कि मैं तुहानूं करके दिखाया जे असी क्या बंगला साहब अंदर कथा निरोल धार्मिक होगी असी करके दिखाया जे असी क्या स्टेजी क्या बंद करांगे स्टेजां ते सियासी क्या बंद करके दिखाया जे दो संग्रांदा दो पूर्णमाशियां कहा कि नहीं होणगियां गुरु साहब दा अकाल तख्त साहब जी दी सर्वोच्चता मन्नांगे करके दिखाया अज तो मैं गल कहण लगा बिट्टू जी सुनो ये बाहर के लोग तो रोज डरते रहिंदे ने ना आ कैमरे कूमरे तो डर डर के बोलते ने असी तो बेबाक आदमी है जी गल कहने संगत कहने और फिर उसे पहरा दें गुरु घर वास्ते तो पार्क अंदर जगह बनाती कमरा तो गुरु घर वास्ते बनाया है और सारी पार्क की चारदारी करके तो गुरुद्वारे वास्ते दूंगा हाँ बिंदी जी के घर के समय को मैंने इन्होंने सरदार रजिंदर सिंह जिंदी साहब के घर के घर के सामने जी जगह है और कमरे की चाबी ऑलरेडी मैंने दे दी ये कहते जी सरदार जी चार दुआरी कहो असं पूरे करके जाना है मैं इन्होंने वादा किया है जिन्हें मर्जी शिकायत कर रहे कमिश्नर को शिकायत की मानसिकता देखो कमिश्नर एमसीडी को शिकायत की
कि जी गुरुद्वारे की चार दवारी वर के धक्के जगह वरते पे रोकी जाए आ काम आए कि गुरुद्वारे जगह देनी है मैं दिता पाया उन्होंने रोकते पे ने कहते जी वोटा नहीं बीबी जी मैं तवा जिक्र होर दसना चाहना जिदा मैनू बड़ा दुख आ ये सिखी की गल करते ने ना हमने थोड़ी देर पहला तुम अपने टीके जाके घर देखियो जे अज सिखी का जिन्ना इन्होंने कहान किया है जिनी बेदबी गुरु साहब की अज इन्होंने की बीबी जी लोग इन्होंने सड़क से दौड़ा दौड़ा के की करे सुनो बेबे नानकी गुरद्वारा है ईस्ट दिल्ली अंदर उस बेबे नानकी गुरद्वारा अंदर सरना साहब ने 100 पेटियां शराब दी रखिया 100 पेटियां शराब दी गुरद्वारा साहब के अंदर जेड़ा इन्हों का उतों का जनरल सकत्र बलबीर सिंह उन्हों लोगों ने मौके से कुट कुट के कुट कुट के कुट कुट के उहदा दुंबा बना दिता आ सारे फेसबुक आते लाइव चलता पाया हमने कोई फेसबुक खोल के देख लो गुरुद्वारा साहब के अंदर शराब गुरुद्वारा साहब के अंदर शराब इस तो माड़ा बजर गुना कोई कर सकता है गुरु घर के अंदर शराबा रखने वाले लोग सिखी की गल करते पे कहते ने असी सिखी बचानी है कितना गुरुद्वारा च शराबा रख के बीबी जी कभी किसी के सके नहीं हुए मैं थोड़ा दास मैं तुम्हें कोई सफाइया देने वास्ते मेरा परिवार जे तुम थोड़े चो एक गल तुम अपने दिलों जाके घर जाके पुछियो जी कोई ऐसा परिवार है जिस तू मैं निजी तौर पर जानता हो मैं निजी तौर पर जानते हो जो थोड़ा दिल करता घंटी बजा के मेरे घर अंदर आ सकते मेरे तो घर घंटी भी नहीं है मैं घंटी कह दिता है दरवाजा ही खुला जिंदा तुम्हें पता घंटे भी नहीं है मेरे घर पर एहो जहा तुम अपने दिलों पुछो जी एह जहा बच्चा मिल सकता है पता की गिफ्ट मिले है एक मुंडा मिले नौ मिली सेवा करने तो वादी औरतों की चाहिए जिथे खड़ा कर लेंगे जी खलो जाइना है कोई डांट देंगे जी मैनु डांट देंगे जी कहीं सरना साहब डांट के दिखाओ मैं तो डांट देंगे जी मैं डांट सुन के चले आना मेरी मां बेटी है जो चीज करना डांट भी देंगे है कह देंगे आए नहीं सी निंदा बाद आए जहां शक्ल दिखाई है कि माता जी गलती हो गई और दूजे पासे बीबिया आदिया तुम देखिए एनक ला के कल रंग दया देखिए आजकल पहला कहीं देखिया देखिया पहला फिर तुम मेरा धनवाद करो ये वास्ते बीबी जी आ जिन्हें पैरे हाथ दरवाने ला लो लगा होना कोई नहीं क्योंकि इन्हों का मामला खत्म है यह एक्सपायरी डेट की दवाई सी जी 26 तरीक में एक्सपायरी है इन्होंने पोलिटिकल कैरियर उन्होंने ने दिखना नहीं जी सत श्रीकाल तो बुलवाई बुलवा लो इतने सत श्रीकाल भी बुलाने दो हाथ जोड़ दी ने वैसे मैं एक गल और दसा जोड़ नहीं आज भी बहुत हंकार अंदर मैं थोड़ा बहुत धनवादी हाँ इन्ने परेशान ने जो तुम उन्हें प्यार दे रहे ना ये तो पता किन्ने परेशान ने जरा कल मिट्टू जी ने बच्चिया ने काम किया ता किया कि सिरसा जो आना है जो सिरसा नहीं सी इतने खेली जाते कहते खेलते कहते जित गए मैच जित गए सारे अपने जित गए घर जाके सारे दूजा बड़ा दूजे जित गए होगी गल बीबिया कहती जित गई हां हां सब अपने नाल ने जितने सिरसा मैदान से उतर आया आ मेरिया भैन खलोतिया ने मेरिया मावा बेटिया ने आ मेरे वीर बेटे सारे सिरसे वेख के जफिया पा के सिरसे ने तुर पे है हूं रोंदे ने हूं इतने रोंदे ने मेरिया फोटो के पत्थर मारी जाते ने मेरिया फोटो डंडे मारी जाते ने ये सोच के चाह चलाई जाते ने कर जाए कहारा इस दस्ते डंडे मारे कहते कितने होर्डिंग से कोई जाके समझावे ये फोटो च यह होर्डिंग सिरसा नहीं ना मेरी फोटो आने कोई जाके दसे पता कितने घबराए पे ने हालत यह पी आते साढ़े सरना साहब साढ़े सत्कारी आंटी जी सुते लत्तां मारी जा रही सिरसा गया सिरसा गया सिरसा गया सिरसा गया वो साढ़े आंटी जी कहते हैं ना लत्तां मारी जो सिरसा नहीं मैं इतने हाल हो गया इन्हों का ऐसे घबरा गए बीबी जी मैं थोड़ा जिन्ना धनवाद करा यह मेरा परिवार है मैं थोड़ा हासे खेड़ गल कर सकता यही मेरा परिवार आ यही मेरा और मैं चंतर आ और अंतर कभी फर्क कभी कटिया ही नहीं जा सकता यदड़िया सजादड़िया निबन सिरा के नाल जो नहाता पाइं ने तू सोचो कि बदल जाएगियां कितने नहीं बदलनियां यही रहनिया ने और अज मैं 10 साल तो तुम्हारी सेवा कर रहा चाहे कारपोरेशन हो चाहे थाना छपाणा हो रब ना लोड़ किसी ना लोड़ पवे रब करे
पर किसी का ट्यूबवैल का कनैक्शन लगता पा हो, कोई बोर करता पा हो, जिदा लोड पैंती है सिरसे नूं फोन मारो ते सिरसा कहिंदा कोई नहीं मैं आ गया, हुणे रुक कोई गल ना चिंता ना करो। खाली गुरुद्वारा साहब की सेवा की गल नहीं, मैं तो तुहाडा दुख सुख का साथी हाँ, पर इन्हां ने कोई तुहाडे नाल निभणा नहीं, इन्हां दा कोई तुहाडे नाल लेना देना नहीं। सो मैं बेनती करदा हां परिवार का जी हाँ, मेरी इज्जत इन्नी रखियो जे एक वोट मैं जान दो दूजे पासे एक भी। आज जिन्ने तुसीं आए जी ना इत्थे, तुहानूं होर गल दसा, इह जदों फंक्शन करदे ने ना, आ जिन्ने इधर बैठे इधर खड़ोते इधर इधर वाले इन्ने भी नहीं कट्ठे होंदे, अरे स्टेज ने खड़ोते हैं ना, ये स्टेज ने भी कट्ठे नहीं होंगे, तुहाडे वाले ने छड्ड दिओ, इधर वाले ने इन्ने नहीं कट्ठे होंगे। वो कल गली जी च स्टेज ला के बैठे सी, वो गली के अंदर भी इहो जी गली अंदर देखिया पैर के अंदर, ये प्यार है सानू विश्वास है, असीं पहर च क्यों कुर्सियां लाने आ, सानू विश्वास है जिहड़ा उदों तुसीं आवांगे संगत साडे नाल इदां प्यार करदी आ, साडे नाल उहनां दा इदां नेह आ, साडा इदां सत्कार एक दूजे दे प्रति, जदों असीं आवांगे साडियां भैणां भी चल के आउणगियां, साडियां मावां भी जरूर आउणगियां, इह सानू विश्वास है। पर उन्होंने विश्वास नहीं तुहाडे ते, और गली च कुर्सी लाउंदे आ जी च मोटरसाइकिल खड़ाउंदे आ ना, वो च रैली करते आ रैली, और नाम लिखेंगे हजारों लोग कट्टे हुए सरना साहब की रैली में, कहां पे कहता गली में स्कूटर वाली में आ हालत। तो मैं थोड़ा धन्यवाद करता है, तुम्हें पता ना कल जो मोड़ लाइनी है कल पे जोर ना दसो हाथ खड़े करके दसो कल तो लाइनी है, जिन्हें दोवे हाथ ने दोवे खड़े करे, जिन्हें को एक खड़ा करे कल से लाइनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा गलत करना ता नहीं पिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੋਰੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਦਾਰੇ ਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੇ। 26 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ ਸਵੇਰੇ ਵੇਰੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਧੂ ਜੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਲੋ ਖਿੱਚੇ ਸਾਡੀ ਖੁਲਜਾ ਖੁਲਜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਫੜੋ ਚਲੋ ਲੇਡੀ ਕਦੀ ਆਏ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀ ਕਦੀ ਆ ਲੇਡੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦਾ